रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच। राजनीतिक दुनिया की हर पब्लिक अपराध पर तत्काल संज्ञान, किसने किया भ्रष्टाचार और कौन है अपराधी, हर खबर यानी पूरा सच देखना ना जी न्यूज 18 पर। मैं तो बहुत हिंदुस्तानी हूँ, मैं टॉयलेट भी हिंदुस्तानी जाता हूँ। ऑफकोर्स सुनिधि मैम एक स्तंभ है गायकी में, शी इज़ अ पिलर व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग। और हर रियलिटी शो में आप देखोगे प्रीतम दा के ही गाने गाए जाते हैं, उन्हीं की कॉम्पोजिशन प्रेफर की जाती है, तो वो दोनों हैं इस शो में। हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली वी मिसिंग करण सर, शेखर सर एंड शाह मली, बट देन अगेन इट्स अ न्यू चैप्टर एंड वी रियली एक्साइटेड अबाउट इट। टैलेंट एकदम खतरनाक है इस बार, पिछली बार से भी बेटर टैलेंट है। मुझे ये था कि अब टैलेंट कहाँ से लाएंगे, सारा टैलेंट तो खत्म हो गया, सारे गोरे खत्म हो गए हिंदी गाने गाने वाले, बट यू विल बी सरप्राइज टू सी द टैलेंट दैट वी हैव दिस टाइम ऑन द शो। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द होस्ट्स एज वेल, राघव है, मुक्ति है, तो बहुत बढ़िया है, एंटरटेनमेंट की भी कोई कमी नहीं है। इस साल अलग फॉर्मेट तो अलग नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग उनकी बहुत खतरनाक होती है, उनकी मतलब स्पेशल ट्रेनिंग होती है। बट आप सरप्राइज होंगे ये देख के कि कई बार वो इंडियन सिंगर्स को टक्कर दे देते हैं फुल ऑन, क्योंकि बहुत पता नहीं मतलब क्या है, लेकिन सही होते हैं वो गाने में, वो शायद इतना प्रेशर नहीं लेते शायद। एग्जैक्टली वो अपना एक फ्लेवर लेकर आते हैं, तो मतलब वो उस गाने को किसी और तरीके से परसीव करते हैं, मतलब वो सुर नोट्स हैं वो कुछ और लगते हैं, मतलब वो एक नई चीज़ है, यूनिक चीज़ है। पता नहीं यार, वो
मैं तो प्रोड्यूसर नहीं हूँ, बट आई एम श्योर द मेकर्स मस्ट हैव थॉट ऑफ समथिंग जो उनके दिमाग में आया होगा, एक प्रॉब्ली न्यू फ्रेशनेस, प्रॉब्ली समथिंग जो मैं मतलब मुझे नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. अच्छा, जब आप एक रियलिटी शो करते हैं तो एक ऑडियंस के साथ अलग सा कनेक्शन बनता है और यू कैन इवन शेयर योर सिंगिंग नॉलेज विद द ऑडियंस एंड द फैंस. सो आपको लगता है एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है रियलिटी शोज करना, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सिंगर? सी, मेरे लिए मैंने ये रियलिटी शो इसलिए भी किया क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता था कि मैं कि रैपिंग एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसको सीरियसली लेना चाहिए. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आर्ट फॉर्म्स हैं जिन्हें अब तक सीरियसली नहीं लिया जाता, जैसे डांसिंग, स्टैंड अप कॉमेडी हो गई और रैपिंग हो गया. रैपिंग एक सीरियस आर्ट फॉर्म है, मतलब उसमें भी वर्ड प्ले इन्वॉल्व है, अलंकार इन्वॉल्व हैं, टेक्निक्स हैं उसकी. तो आई थिंक इस प्रोग्राम के थ्रू मैंने वो लोगों को एक हद तक एजुकेट किया है और इस साल भी मेरी कोशिश है कि मैं वही करूँगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम हियर टू हैव फन एज वेल एंड यू नो हैव अ बेटर कनेक्शन विद द ऑडियंस. टेलीविजन की रीच यू कैन नॉट डिनाई कितनी मैसिव है, तो कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी टीवी कर रहे हैं, सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज वेल. अच्छा, आपने अपना प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया है, तो क्या ये नए टैलेंट को उसमें भी चांस मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, प्रोडक्शन हाउस में नए टैलेंट को चांस मिलेगा. प्रोडक्शन हाउस में काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, वेब के लिए काम कर रहे हैं, टीवी के लिए काम कर रहे हैं, फिल्म भी अनाउंस करने वाले हैं. तो एक वो चीज़ है जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. लेकिन आपने कहा था थोड़े से नर्वस भी है आप इस प्रोडक्शन हाउस को लेकर, तो पैसा लग रहा है, नर्वस तो होंगे ही. कोई भी एज के, कोई भी जेंडर के, कोई भी देश के, आपका पासपोर्ट कहीं का भी हो, आपको दिल है हिंदुस्तानी, दिल हिंदुस्तानी होना चाहिए. आप हिंदी गाने अगर गाते हो, आप कोई भी हो, आप यहाँ पर आके गा सकते हो. मेरी बस हो गई जी पुराने गानों का रिवाइव. मुझे नहीं लगता कि अब हमें और पुराने गानों को छेड़ना चाहिए और जनता माफ़ नहीं करेगी मुझे लगता है. सर, डिजिटल मीडिया के बारे में कुछ बताइए, जैसे अभी आप वेब सीरीज भी करने वाले हैं, ब्लॉकबस्टर करेंगे, तो सर उसके बारे में आप? डिजिटल मीडिया मुझे लगता है फ्यूचर है. मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल मीडिया बड़ा 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 और बड़ा होता जा रहा है हर दिन. एंड आई थिंक इट्स द फ्यूचर. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोडक्शन हाउस राइट नाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डिजिटल मीडिया. बहुत बढ़िया, स्टाफलेस लाइक अ फैमिली नाउ. वो इस चीज़ को ज़्यादा लिटरली ले जाते हैं पैसे देते हुए थोड़ा सा, बट आई इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू यू नो वर्क विद सच अमेजिंग पीपल. दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, वेरी हेल्पफुल, वेरी बहुत ऑर्गेनिक कलेबोरेशन रहा है. यार आई थिंक मुक्ति, वी रियली हैप्पी कि मुक्ति पहली बार कोई शो होस्ट करी और वो हमारा शो है. हाँ, मतलब एक जॉनर की अंडरस्टैंडिंग और एक सिंगिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ऑब्वियसली हेल्प्स, क्योंकि फिर वो एक्साइटमेंट, वो वाइब टीवी पर आती है. और बहुत जो हमारे होस्ट हैं उनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मन लगा के रखते हैं उनको प्रॉपर. व्हाट विल इट टेक फॉर द कंटेस्टेंट टू इंप्रेस बादशाह दिस टाइम? आई थिंक ऑनेस्टी, कुछ भी प्रिटेंशियस हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब जो जैसा है वो वैसे ही आ गया ना, तो मेरे लिए तो पास है वो. सलमान खान फिल्म ऑलरेडी हिट इन द बॉक्स ऑफिस, तो टिकट मिले तो वॉच करूँ, टिकट ही नहीं मिल रही. नहीं, कॉन्टैक्ट तो नहीं किया है, बट सलमान भाई के लिए काम लाइक रेगुलरली काम करता हूँ. रेस 3 में नहीं किया, बट रेस 4 में डेफिनेटली करूँ. उसके बारे में कहना चाहूँगा कि बच गए. पहली बार सिंगिंग ट्राई करी थी, मुझे लग रहा था या तो जूते पड़ेंगे, मुझे लग रहा था कि चल जाएगा, मतलब मुझे ही नहीं पता था कितना चलेगा, बट रियली हैप्पी कि चल गया. नहीं, गाना नहीं होएगा. नखरे क्यों कर दिए मैनू जचदा नहीं, इन्ना सवाल कर दिए ना मैं सुनता नहीं, होर दस किन्नी तारीफा चाहिदियां तेनू. थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू.
बहुत एक्साइटिंग होता है, एक रिलीफ होता है कि चलिए अगर ट्रेलर आया है उसका, उसकी शुरुआत हुई है और लोगों को पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद स्टार. दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम उनके साथ एसोसिएशन पहली बार है. और दिल है हिंदुस्तानी टू से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था. ये एक ऐसा शो है जिसको मैं जो फर्स्ट सीज़न था मैंने देखा भी था, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये शो. और इसमें इसकी USP तो आप सब जानते ही हैं कि पीपल कम फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड दे कम एंड शोकेस देयर लव फॉर इंडिया बाय सिंगिंग और प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और स्पीकिंग इन हिंदी. इट्स ब्यूटिफुल टू सी ऑल दैट टैलेंट कमिंग अप एंड यू नो हम लोगों के लिए एक ट्रीट हो जाती है क्योंकि हम एक जगह एक समय पर इतनी सारी जगह पर नहीं जा सकते, तो ये सब मिलकर जब सामने होते हैं बहुत मज़ा आता है. मुझे तो अभी तक कुछ ही एपिसोड्स हमने शूट किए हैं, इट्स रियली बीन फन. सुनिधि मैम, जज करना कितना मुश्किल होता है? वैसे हमने इंडियन आइडल में आपको जज करते हुए देखा है, लेकिन यहाँ कितना मुश्किल होता है जब अलग अलग टैलेंट्स और फॉरेनर्स भी है शो में, तो कितना डिफिकल्ट हुआ आपके लिए, अगर इस बारे में कुछ शेयर करना? मैं अगर जज करूँ तो शायद डिफ़िकल्ट होगा, बट मैं उसको जज की तरह से नहीं देखती हूँ. हाँ, मैं उस कुर्सी पर हूँ, लेकिन एक टैलेंट को देखकर उसके बारे में डिस्कस करना या उनको कुछ एडवाइस देना या उनसे कुछ सीखना, ये चलता है शो पर. और जो अच्छा होता है वो वोटिंग से आया, जो ऑडियंस देखती हैं घर में बैठे हुए उनके प्यार से पता पड़ ही जाता है कि उनको वो उनकी जर्नी कहाँ तक होने वाली है. तो कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होती. आई थिंक दिस शो स्पेशली इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग म्यूज़िक एंड नथिंग एल्स, जस्ट यू नो पुशिंग द गुड टैलेंट फॉरवर्ड ऑल द टाइम. That's all what we want to do through this show. पर शो के साथ साथ आप मदरहुड भी कैसे एंजॉय कर रही हैं? जी, बहुत बहुत एंजॉय कर रही हूँ. आसान हो गई हैं चीज़ें. इनफैक्ट कुछ भी मैं करती हूँ, चाहे ये शो हो या मैं रिकॉर्डिंग्स करती हूँ या शोज करती हूँ, अब ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज वो सिर्फ 5 ही महीने का है, तो उसको छोड़ के नहीं जाती हूँ कहीं भी, वो हर जगह मेरे साथ जाता है. तो आई थिंक ये एक एडिशन बहुत खूबसूरत है, मुझे अपना काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस वजह से. ओके, सुनो साल जो आप काफ़ी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, लेकिन जब फॉरेन टैलेंट आता है तो उनकी आवाज़ में यूनिकनेस होती है, अलग होता है, तो कितनी स्ट्रिक्ट होंगी या नहीं होंगी इस बात? वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है कि उनके प्रोनंसिएशन में थोड़ा एक एक्सेंट होता है, उनकी आवाज़ अलग होती है और वो हिंदी गाना गाते हैं या कभी कभी क्लासिकल भी गाते हैं, तो वो सुनने में बहुत मज़ा आता है. लेकिन कितना भी अच्छा लगे, मार्क्स उनको इस वजह से ज़्यादा मिलेंगे ये नहीं होगा इस शो पर. अल्टीमेटली जो ओवरऑल अच्छा गाता है, चाहे वो इंडिया से हो या वो बाहर से हो, अगर जो जितना ज़्यादा अच्छा गाता है उसी पर मार्क्स हम देंगे. वी कैन ऑलवेज अप्रिशिएट अगर कोई इंडियन नहीं है और वो गाने का एक्सेंट करेक्ट पकड़ लिया है या फील अच्छा पकड़ लिया और टोनैलिटी में भी एक इंडियननेस अगर वो लेके आए हैं, तो भी हम सुनकर जो अभी तक हुआ है इस शो के दौरान हमने अप्रिशिएट ज़रूर किया है. लेकिन मार्क्स सिर्फ प्योरली टैलेंट के ऊपर मिलेंगे. सुनिधि मैम, संजू का जो गाना है वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, मैं भी, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले लोगों से? जी, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स तब मिलेंगे जब लोगों को पता पड़ेगा कि वो मैं हूँ. मुझे रिएक्शन ये ज़रूर मिला है कि अच्छा वो आपने कहा है, क्योंकि जब मैंने इस बारे में ट्वीट किया तो काफ़ी लोगों से मुझे ये सुनाई दिया कि ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने गाया. दैट वाज़ द आइडिया. मुझे ब्रीफ राजू जी ने वही दिया था कि पुराने ज़माने में जैसे लोग आते थे, थोड़ा उसको नॉस्टैल्जिक रखना है. तो मुखड़े तक तो बात सही थी, लेकिन जब अंतरे में हम पहुँचे तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हुआ, क्योंकि गाना ऊँचा हो जाता था वहाँ पर जाके, स्केल ऊँचा था. तो एक्चुअली जो इतना सुनाई आसान दे रहा है वो बहुत मुश्किल टास्क था. नाक में ही एकदम एक ही टोन बरकरार रखना एंड तक, वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, बट समहाउ हो गया एंड आई एम ग्लैड वो मेहनत लोगों को ठीक लग रही है. फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है? 29 जी, मैंने ट्रेलर देखा. इनफैक्ट राजू जी ने मुझे बहुत पहले कुछ क्लिप्स दिखा दिए थे, मैं तभी शॉक हो गई थी. मुझे एक्चुअली लगा था कि संजय दत्त ही हैं,
और जब मुझे उन्होंने बताया कि नहीं एक्चुअली रणबीर है, आई वाज शॉक्ड. सो मेरे लिए ट्रेलर में उनको देखना ये दूसरी बार था और आई मस्ट से ओनली रणबीर कैन डू दिस. सो आई एम रियली हैप्पी दैट इस बार वो कुछ एक बड़ा धमाका करेंगे इस फिल्म में. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस. आपको लगता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक रैपर का देखने का तरीका या सुनने का तरीका अलग होता है कंपेयर टू अदर सिंगर, सबका अलग एक स्टाइल होता है, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक डिसीजन ले पाएंगे? बहुत सही क्वेश्चन. हम लोगों के तीनों का सुनने का नज़रिया या उस पर कॉमेंट करने का नज़रिया अलग है और रहता है, बट अल्टीमेटली एक कॉमन फैक्टर जो हम तीनों शेयर करते हैं वो ये है कि क्या वो उतने अच्छे हैं कि आगे जा सके. उस पर आकर फिर हम तीनों सेम पेज पर ही होते हैं और वो एक बहुत रिलीविंग फैक्टर है, क्योंकि अगर कोई अड़ जाए तो फिर मुश्किल होता है. एंड देन इट्स नॉट सच अ प्लेजेंट फीलिंग. बट प्रीतम, माई सेल्फ एंड बादशाह, वी ऑल आर ऑन द सेम पेज एंड वी आर रियली एन्जॉइंग आर सेल्व्स. वी आर सेलिब्रेटिंग म्यूज़िक हियर. सो हम जो थ्राइव कर रहे हैं बस यही है कि एक अच्छा टैलेंट नेक्स्ट स्टेज तक जाए, उसी के ऊपर मार्क्स होते हैं. लास्ट क्वेश्चन गाइस, मेरा सवाल ये है कि जब इस शो के दौरान जब जजिंग करोगे तो क्या हमें आपका लाइव परफॉर्मेंस देखने मिलेगा? मिलना ही है, ऐसा हो सकता है नहीं हो. हर एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा दिखेगा, अभी तक तो यही हुआ है. सो यस, यू विल सी अ लॉट ऑफ लाइव सिंगिंग हैपनिंग. एंड मुक्ति मोहन इज जजिंग द शो फॉर द फर्स्ट टाइम. सॉरी, वर्किंग विद स्टार प्लस हैज बीन ग्रेट सो फार. मैंने सुना था दैट यू नो ऑल द पीपल ऑफ दिस चैनल आर रियली ईजी टू वर्क विद, एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट. आई एम रियली फीलिंग एट होम एंड दे वेरी कोऑपरेटिव. दे आर यू नो लुकिंग इन टू ऑल माई कंडीशन एंड वर्किंग अकॉर्डिंगली. इट्स ब्यूटिफुल. आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद स्टार. आपको मिलेगी मुक्त. हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं. जो आपके हमारे राघव जुयाल हैं वो एक बॉम्ब है शो पर, और वो सिर्फ हमारा मतलब मेरा पर्सनली गला ख़राब होता रहता है हंस हंस के, तो वो कुछ इस प्रकार हैं और वो आपको दिखेगा. एंड मुक्ति एंड राघव का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है. मुक्ति इज़ सो ब्रेव इन यू नो लेटिंग पीपल मेक फन ऑफ हर समटाइम्स, एंड आई थिंक वो करना बहुत मुश्किल होता है कि आप मजाक तो करते हैं लेकिन अपना मजाक उड़वाना भी बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है. सो मुक्ति इज़ डूइंग अ, आई थिंक शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, दैट्स व्हाई शी इज़ एबल टू पुल दैट ऑफ. सो एज अ जज ऑन दिस पैनल आई एम रियली हैविंग अ गुड टाइम विद बोथ ऑफ देम. ऑल आई कैन से इज़ दिला हिंदुस्तानी 2 इस बार और भी जोश के साथ आया है और बेटर टैलेंट के साथ आया है. और मैं, प्रीतम और बादशाह, वी आर ऑल आर वेरी एक्साइटेड. हम लोगों ने जितना मज़ा इस शो में अभी तक किया है, आई होप वो कन्वे हो और आप लोग उसे उतने ही मन से देखें. एंड प्लीज़ वोट फॉर द राइट सिंगर, राइट कंटेस्टेंट. इमोशनली मत बह जाइएगा थोड़ा आप भी, क्योंकि आप में वो है, ऑडियंस में है टू बी एबल टू जज टेक्निकली. आई बिलीव इन दैट. सो प्लीज़ थोड़ा इस बार टेक्निकली भी देखिएगा और अपने फेवरेट को आगे लेके जाए. थैंक यू. I don't know. I think the channel Star will be able to answer you that, because ye mujhe itna malum hai main hu. I don't know. Is there any change in the format of this thing? Is there any format of the show? The show? No, the format is the same, but obviously jab naya talent hota hai to wo naya aur cheeze hoti hain. Acts par bahut dhyan diya gaya hai. You'll hear Dil Hindustani sounding much better this time on TV. Because we have the best on board, and yeah, it'll be good. Thank you. उसी आवाज में गाओ? Yes. क्योंकि या okay. माँ बढ़िया तू भी बढ़िया, शादी कर ले सावरिया, फिर फूटेंगी फूल झड़िया, बढ़िया बढ़िया. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज सेटिंग पर वीडियो सहित पूरी वीडियो देख सकते हैं और हमारे जी न्यूज सेटिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच.